Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we will be discussing about the topic rest and motion from the chapter measurement and motion of class 6th standard. So student, कोई भी चीज़ rest में है या motion में है, हम उसे कैसे describe करते हैं? जैसा आपको इस slide के अंदर दिखाई दे रहा है, grandma is sitting on sofa and a person is sleeping and the other two person are running and one is cycling and one girl is there which is sitting. तो इस स्लाइड के अंदर देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि जो चीज़ें मूव नहीं करती हैं या स्टेशनरी कहीं पे रखी हुई हैं या बैठे हुए हैं, कुछ भी हो रहा है उनकी साथ कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, देन दैट इज़ नोन एज द कंडीशन ऑफ रेस्ट. और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है या उसके अंदर कुछ पोजिशन में चेंज आ रहा है, देन दैट इज़ नोन एज मोशन. ठीक है, तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे रेस्ट की पोजिशन को? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चेंज इन इट्स पोजिशन विद टाइम, इट इज़ सेट टू बी स्टेशनरी और एट रेस्ट. And if a body is moving and changes its position with time is known as motion. क्योंकि जैसे जैसे time change हो रहा है, अगर किसी चीज़ की position change हो रही है तो उस state को हम क्या बोलेंगे? Motion बोलेंगे. जैसे आप running करेंगे, अगर cycling करेंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचेंगे, आपका position change हो जाएगा. और अगर आप सिर्फ एक जगह पर बैठे रहेंगे तो time के साथ एक घंटे बाद, दो घंटे बाद भी आप वहीं पर रहेंगे. तो that is basically the condition of rest. ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, एक स्पेशल केस आ जाता है. वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आप वॉल क्लॉक की बात करें, अगर कोई दीवार पर घड़ी लगी हुई है तो उसके अंदर उसके जो मिनट हैंड है या आर हैंड जो है उसका, वो क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो मोशन में है. ठीक है, बट जो वॉल क्लॉक है, जो दीवार पर घड़ी लगी हुई है, वो अपने आप में किस में है? रेस्ट में. क्योंकि वॉल क्लॉक तो कोई मोशन नहीं कर रही, उसके अंदर जो सुइयां लगी हुई हैं सिर्फ वो मोशन कर रही हैं. ठीक है, तो अगर उस वॉल क्लॉक को आप अपने हाथ पे रख के अगर मूव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्लॉक आपकी मूव कर रही है? उस कंडीशन में क्लॉक आपकी मूव कर रही है, बट किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में. बट इट इज़ अगेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर आर्म. ठीक है, आपके हाथ के रिस्पेक्ट में तो वो किस में है? रेस्ट पे है. बट सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में वो किस में है? मोशन में है. क्योंकि सराउंडिंग्स के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट आपके हाथ के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. तो किसी भी चीज़ की पोजीशन या रेस्ट और मोशन की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से हमें किसी भी चीज़ का रेस्ट और मोशन की जो स्टेट होती है वो पता चलती है. ठीक है, व्हेन वी वॉक, व्हेन वी चेंज आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर व्हिच इज़ एट रेस्ट. ठीक है, जब भी हम चलते हैं या अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो हमारा फ़ैन है, जैसे फ़ैन की बात करें, फ़ैन तो मोशन में है अपने आप में क्योंकि घूमता रहता है, बट अगर दीवार के रिस्पेक्ट में बात करें, छत के रिस्पेक्ट में बात करें, तो फ़ैन हमारा कैसा है? रेस्ट पे ही है. ठीक है, छत के रिस्पेक्ट में तो कहीं जा नहीं रहा है, बट वैसे उसके अपनी बॉडी में अपने आप से क्या हो रहा है? उसका मोशन आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में अगर आप बैठे हैं तो बस के रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हैं, बट बाकी जितनी बाहर की चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में आप किस में हैं? मोशन में हैं. तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके किसी भी चीज़ का रेस्ट और मोशन के बारे में बताना किस चीज़ के अंदर आ जाता है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आ जाता है. अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, क्योंकि जो मोशन होता है वो हर चीज़ का अलग अलग होता है. ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं. जैसे आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, मोशन के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, रेक्टिलिनियर, कर्वलिनियर, ट्रांसलेटरी, रैंडम मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे टाइप्स हैं, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे. द मूवमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम. जैसे मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट होती है सभी ऑब्जेक्ट्स की सेम नहीं होती है. कुछ बहुत फास्ट चलते हैं, कुछ बहुत धीरे चलते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करते हैं. तो इस टाइप से अलग अलग मोशन होते हैं. तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर दो टाइप आ जाते हैं हमारे, रेक्टिलिनियर और कर्वलिनियर. ट्रांसलेटरी मोशन पहले कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए. द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. मतलब किसी भी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर टाइम पे इक्वल डिस्टेंस के साथ जब मूव करते हैं तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. इसके दो टाइप होते हैं, रेक्टिलिनियर एंड कर्वलिनियर. रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ सेड टू हैव रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, जैसे मान लो आपकी बाईपास है जैसे. ठीक है ना, अब बाईपास पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर आप बिल्कुल सीधी सड़क पे अगर अपनी कार चलाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. दूसरा आता है कर्वलिनियर मोशन. कर्वलिनियर मोशन कौन सा होता है? इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ
इट्स मोशन इज कॉल्ड कर्वलीनियर। जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, एक कर्व बनी हुई है, ठीक है ना, एक ये ऐसे एरो टाइप बना हुआ है, और इसके अलावा कोई बॉल अगर आपकी मूव कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्वलीनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम अगर एक सर्कल के अलॉन्ग चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारे पास सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन कौन सा होता है, इट इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एक्सेस। किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है उसके चारों तरफ, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी एज अ होल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन एंड द बॉडी इज टू सेड रिवॉल्व, ठीक है। उस मोशन को क्या बोलेंगे, उसे तो रिवोल्यूशन बोलेंगे, रिवोल्यूशनरी मोशन भी कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। और जो वो बॉडी उस टाइम पे कर रही है इज सेट टू रिवॉल्व, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है उसको रिवॉल्व करना बोलते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कहीं भी, मतलब कैसे भी। जैसे कीड़े चलते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी इधर उधर, मतलब कैसे भी चल सकते हैं कोई चीज़, ठीक है, जिसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। देन नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, आगे और पीछे की तरफ जब एक बॉडी मूव करती है तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आपका पेंडुलम करता है क्लॉक में, ठीक है, पेंडुलम पहले लेफ्ट में जाएगा फिर राइट में जाएगा फिर लेफ्ट में जाएगा फिर राइट में जाएगा, और इसी टाइप से वो मोशन अपना करता रहेगा। तो इस टाइप से होने वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, व्हेन द सेम मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वी कॉल इट पीरियोडिक मोशन। जब कोई मोशन अपने आपका जो पाथ है वो दो अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसा सेम पेंडुलम करता है, एक सेकंड के बाद वो अपना पाथ रिपीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट्स, मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन अ सर्कुलर पाथ सो इट शोज सर्कुलर मोशन और रेवोल्यूशन। क्योंकि जो अर्थ है वो सन चारों तरफ घूम रही है तो वो सर्कुलर मोशन भी कर रही है और रिवोल्यूशन भी कर रही है। एंड विद रिवोल्यूशन अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सेस विच इज कॉल्ड रोटेशन। और अर्थ रिवॉल्व तो करती है सन के चारों तरफ, जिसकी वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं, बट जिसकी वजह से दिन रात चेंज होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। मतलब अपने एक्सिस पे भी वो क्या होती है, गोल गोल घूमती है। तो इस टाइप से जो अर्थ होती है वो एक ही टाइम पे दो तरह के मोशन करती है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे कार दिखाई दे रही है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे 0 से 4 मीटर आया वो 2 सेकंड से में, 4 से फिर 8 गया 2 सेकंड में, 8 से 12 गया 2 सेकंड में। आप 0 से 4 तक देखिए, 4 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर कर लिया, 4 से 8 गया फिर से 4 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर कर लिया, और 8 से 12 गया तो इसमें भी इसने 4 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर कर लिया। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। देन नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है हमारे पास, द मोशन ऑफ अ पार्टिकुलर बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 जा रहा था, सब में 4-4 मीटर चल रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस तो टाइम तो सेम रहेगा 2-2 सेकंड, बट डिस्टेंस अलग हो जाएगा। जैसे मान लो 0 से 4 मीटर गया 2 सेकंड में, फिर 4 से मान लो 9 मीटर चला गया 2 सेकंड में, ठीक है, और फिर 9 मीटर से 10 मीटर चला गया 2 सेकंड में। तो इस टाइप से टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन एंड अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लास एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप बाय ड्रॉपिंग अ मैसेज, आई विल बी क्लैरिफाइंग योर डाउट्स देयर ओनली। थैंक यू वेरी मच।